बहुतकनीकी संस्थान की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर ने छात्रों के वर्ग में ऑलराउंड ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया है। बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर बैडमिंटन, वॉलीबॉल तथा टेबल टेनिस में उप विजेता रहा, जबकि महिला वर्ग में बहुतकनीकी संस्थान अबोट्टा तथा कंडाघाट संयुक्त रूप से अव्वल रहे। महिला वर्ग की एथलेटिक्स में कंडाघाट ने ऑलराउंड ट्रॉफी जीती है। तीन दिवसीय प्रतियोगिता समापन बहुतकनीकी संस्थान बड़ू में हुआ। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि अव्वल रहे खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि खेलें स्वस्थ जीवन के लिए अंतिम जरूरी हैं। स्वस्थ रहेंगे तो शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम उठा रही है तथा ग्रामीण स्तर पर खेल मैदानों का निर्माण भी करवा रही है, ताकि ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। काजल गायन में प्रथम स्थान राजकीय बहुतकनीकी संस्थान पौंटा साहिब, दूसरा स्थान राजकीय बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर तथा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान बिलासपुर तथा तलवाड़ ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया है। पहाड़ी लोक गायन में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर तथा पौंटा साहिब प्रथम, राजकीय बहुतकनीकी संस्थान तलवाड़ द्वितीय तथा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान बिलासपुर तृतीय रहा। पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी विशप चंद तथा महिलाओं में प्रीति को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब मिला। ये बहुत बड़ा इवेंट है, इंटर स्टेट पॉलिटेक्निकल कॉलेज ऑफ एथलेटिक्स व कल्चर्स का यहाँ पर टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। इस इतने बड़े इवेंट में मुझे यहाँ के स्थानीय प्रिंसिपल व स्टाफ मेंबर्स में आने का मौका दिया, इसके लिए मैं प्रिंसिपल साहब का, स्टाफ मेंबर्स का और सभी बच्चों का धन्यवाद करना चाहूंगा। जहां तक पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूशन के बच्चों का प्रश्न है, इनके ऊपर तो पढ़ाई का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अभी हमने इनकी दो ही 100 मीटर गर्ल्स का और 100 मीटर स्टूडेंट्स का फाइनल हमने देखा, तो इतना ज्यादा कंपटीशन था तो हमें तो आज पता लगा कि ये बच्चे जहां पढ़ाई में लगातार मेहनत करते हैं वहां स्पोर्ट्स में भी किसी से पीछे नहीं है। इसके लिए मैं बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। एक व्यक्ति की लाइफ में, एक स्टूडेंट की लाइफ में शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। शिक्षा के बिना व्यक्ति अधूरा है, पर शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स का भी उतना ही महत्व है। एक स्पोर्ट्समैन व्यक्ति का एक ऑलराउंड एलिमेंट होती है, उसकी हेल्थ, अगर हेल्थ अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली उसका माइंड भी अच्छा होगा। तो ये दोनों चीजें स्टूडेंट लाइफ में पैरेलल चलती हैं। और आज के कंपटीशन में जहां इतना ज्यादा कंपटीशन है, वहां पर ऑलराउंड डेवलपमेंट, ऑलराउंड बच्चे का विकास होना बहुत जरूरी है। और वो तभी हो सकता है जब बच्चा एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स में, कल्चर एक्टिविटीज में, क्यूज में सब में बराबर का पार्टिसिपेट करता है।